नहीं, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. आम बंदे को 5 इनविटेशन आए ना, टेंशन हो जाती है. 5-5 जगह पे जाना पड़ेगा, शगुन देना पड़ेगा. लेकिन हमारी अर्चना जी खुश हो जाती हैं, बिकॉज शी लव वेडिंग फूड. अच्छा. और अभी आप कोविड की वजह से कोई भी शादी अटेंड नहीं कर पा रही ना मेरे ख्याल से. अभी आप स्लिम होती जा रही है, सारे डिनर मिस हो रहे हैं आपके. लेकिन अर्चना जी देखिए, हम शादी पे नहीं जा पा रहे हैं आजकल, वो आजकल जो भी चल रहा है. लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं पर आज एक शादी का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, और वो भी उस शादी का जो इस साल की सबसे बहुत चर्चित शादी रही है. सो प्लीज वेलकम द वेरी क्यूट न्यूलीवेड्स, माय डॉल नेहा कक्कड़ एंड रोहनप्रीत सिंह. नेहा, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा. थैंक यू. नेहा को देख के मुझे लग नहीं रहा अभी भी किसकी शादी हो चुकी है. हाँ, मुझे लग रहा है स्कूल से बंक मार के आई है. हाँ, हेलो भैया, मेरी शादी हो गई. कॉन्ग्रेचुलेशंस नेहा, जोरदार तालियां नेहा के लिए. नेहा, आप तो शादी में बिजी थी. हाँ, तो मतलब तुम्हारी शादी की इतनी धूम थी, स्पेशली इंडियन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे तो यूएस इलेक्शन की इतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी तुम्हारी शादी की हो रही थी. एक्चुअली लेकिन कहाँ दूल्हे राजा, कहाँ है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता. आई हैव नो क्लू कहाँ चले गए. नहीं नहीं, शादी होगी और तुमने अलाउ कर दिया उसको कहीं जाने के लिए. उधर देखो, 40 साल हो गए, अभी परमीत जी को पगड़ी बना के पीछे बिठाया हुआ है. वेयर इज रोहन? रोहन, रोहू, रोहू, रोहू कहाँ यार? देख बैठ के यार. ये लड़का, इसका ध्यान रख रहा था, कहते तुम्हारा लहंगा आ रहा है घोड़ी के नीचे. ना तो तुम्हारी लड़की से शक्ल मिल रही है, ना लड़के से, घोड़ी वालों की तरफ से हो. इतना नाच रहा है तू, तू दोनों जैसा डांस किया है ना. वैसे तो नेहा सिंगिंग शो की जज है, लेकिन तुझे देख के आज बोलने वाले कि तुम वैसे ही मुंबई नहीं आ सकते. ये क्या हो रहा था ये? देखो, मैंने जहां आना था मैं आ चुका हूँ, इससे ज्यादा मैं और कहीं नहीं आ सकता. खैर, एनी हाउ, खुशी का मौका है, खुशी की बातें करेंगे. और कपिल शर्मा, शादी के बाद देखो दोनों पहली बार इधर आए हैं. हाँ, तो मुझे इनसे बात करने दो. नेहा, शादी की बहुत बहुत मुबारक है आपको, रोहन आपको भी. थैंक यू. चलो हो गई मुबारकबाद, आओ मुझे रोहन का वेलकम कर. रोहन के लिए जोरदार तालियां. आओ रोहन, मुझे मिलने दो. ए, एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी पकड़नी है. अरे सुसु कर लिया ना, क्या हो गया इतना इम्प्रॉम्प्टू? तू मेरी जूठी खिचड़ी तो नहीं खाया कहीं? रस्में होंगी हैं नेहा. वैसे सॉरी, मैं आपकी शादी पे आने सका. अच्छा, कारण भी बता देना कि आपने कार्ड नहीं दिया था इसलिए नहीं आ सका. यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बाकी शादियों में मैं कार्ड के साथ जाता हूँ. शादी पे जाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक कोट पैंट, दूसरा कॉन्फिडेंस. ये तो है, कॉन्फिडेंस इसका इतना है. उस दिन किसी के बर्थडे पे चला गया, जाके था मैं लड़की वालों की तरफ से. उन्होंने पता नहीं फिर किस टेक्निक से मारा, कुर्ता इसका ठीक था, बनियान फटी हुई थी. हालांकि मैंने इसका लिहाज रखा है, मैंने अपर बॉडी पे शिफ्ट कर दिया, ये कांड लोअर बॉडी पे हुआ था. मुझे एक बार बताओ, किस धंधे में रिस्क नहीं होता? अब कल देख लो, अंबानी जी के सारे शेयर गिर गए. मैं उनको हौसला देने के लिए गया, देखा कोई शेयर नहीं गिरा हुआ था वहां पे. अच्छा वो मैंने हौसला नहीं दिया, नहीं तो मेरा हौसला वेस्ट हो जाता था. नेहा तुम्हें पता है पूरे देश में इतना मुर्गा नहीं बनता जितना अकेला स्कूल में बना है. अच्छा, जितने तुमने मुझ पर रिसर्च कर ली, मुझे डर लग रहा तुम मेरी कहीं ऑटोबायोग्राफी ना लिख दो. मैं कहीं तुम्हें ऑटो ना ले दूं? बायोग्राफी का तो मुझे पता नहीं. यार यार मेरी बस, आप बातें छोड़ो, मुझे रिबन कटवाने दो. ओए ओए, रिबन तो सालियां कटवाती हैं. तो साले का पजामे का नाड़ कटवा लें फिर. ये कब तक ये जो सालियां है जीजे से पैसे हेटती रहेंगी, और हम साले कब तक आइस और ग्लास का अरेंज करते रहेंगे जीजे के लिए? हमारा भी दिल करता है हम भी जीजू 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 करें.
हमारा भी दिल करता है भी जीजू को बोले जीजू नहीं बर्फी खाओ, जीजू बोले नहीं मैंने नहीं खाना, हम बोले नहीं थोड़ी सी खा लो, वो थोड़ी सी कहने के थोड़ी सी खाने की। जितना लंबा आज तुमने बोला है और जिस एनर्जी में बोला है उसी के लिए तालियां, वाह वाह। इसलिए बड़ा दिल करता है हमारा भी, लेकिन हमें कोई कुछ समझता ही नहीं है कुछ के। ओए इधर यार, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे, रिबन लेकर आओ। अच्छा ये रिबन काटना क्या होता है यार? कटो कटो कट गया, कट गया रिबन, कट गया। अब तुम जाओ यार, जाओ जाओ। रिश्तेदारों को बिना खाना खिलाए भिजवा रहा है, मैंने खुद खाया। लो जी 11 लाख रुपए पहले सबसे पहले। 11 लाख? यार उधर खड़े हो, इधर क्या चुंबक लगी है, इधर ऐसे ऐसे चलते यार, उधर खड़े हो, पहले उधर खड़े हो, उधर खड़े हो। लो जी, और तेरे 11 लाख बनते हैं तेरे, तू उल्टा 500-600 दे के बात खत्म कर ताकि मैं तेरी कंप्लेंट ना करूं चैनल से। 11 लाख इधर नहीं बनने, तो और किधर बनने, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ। ऐसे हिसाब से तो मैं 11 लाख का मुंह कभी देख ही नहीं पाऊंगा। चल तू बता दे 11 लाख में कितने जीरो होते हैं, मैं दिलवा दूं। मेरी बात सुन, जीजू घर के 0 एक हाथ कम भी चलेगा। अच्छा, पर 11 लाख पूरे होने चाहिए। 11 लाख पूरे, हां, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। अच्छा, पेन और पेपर ला दो, देख के दे देता हूं। 11 लाख 0 एक आदि एक्स्ट्रा ही लगा कर। जीजू मजाक सालियों के साथ होता है, सालों के साथ नहीं। तो आप नहीं मजाक कर रहे हैं? कोई बात नहीं, जीजू मेरी बात सुनो, ये जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टी निकाल दो, उसके बाद हमने फिर चैन चुराई की रस्म भी करनी है। ओए चैन चुराई नहीं होती बे, जूता चुराई की रस्म होती है। देखो अपग्रेड योरसेल्फ, ये रस्में पुरानी हो चुकी हैं। जूते का क्या फायदा, लेदर महंगा नहीं हो रहा, सोना देखो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो दीदी मेरी बात सुनो, आप ना अगले हफ्ते रेडी रहना, मैंने फेरा डालने के लिए आना है। फेरा डालने लड़कियां आती हैं? अच्छा, फेरा भी लड़कियां डालने आए, जूते भी लड़कियां चलाए, रिबन भी लड़कियां कटवाए, लड़कों को छोले ले दो फिर। क्या करें लड़कियां मुझे ये बताओ, आता है यार। अच्छा मेरी बात सुनो दीदी, यार आप जीजू आप शादी के बाद हनीमून दुबई गए, अब मुझे फोन कर देते, मैं उधर शेख को फोन कर देता। हाँ दुबई 13 साल ऊंट धोता रहा ये। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं ऊंट पे सफारी कर रहा था, थोड़ी सी चाय करके कहते लगे धोकर दो ऊंट, इन्होंने बात बना ली, कहते ऊंट धोता रहा, ऊंट धोता रहा। इसको इतनी लंबी लंबी बातें लिख के किसने दी आज? अगले 10 एपिसोड का बोल गया ये, 3 एपिसोड का तो घोड़ी के आगे नाच गया ये। खैर दीदी मेरी बात सुनो, ये ऐसी बातें करता रहेगा। हाँ जी, तो आप कोई बात नहीं, अब आप थोड़े दोनों इसके साथ टाइम स्पेंड करो, मैं बस अभी बाकी अरेंजमेंट देख कर आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ। 2-4 साल बाद आना हो सके तो। देख तुम ना अच्छी अच्छी बातें करना, वैसी बातें नहीं जो मेरे साथ करते हो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तालियां, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो, गॉड ब्लेस यू, नजर ना लगे। थैंक यू। मैं नेहा को भी बैकस्टेज बोला था, मैं कहा नेहा मुझे लगता था कि तुमसे ज्यादा क्यूट कोई नहीं है, पर एक्चुअली इसने दूल्हा भी ऐसा ढूंढा, इतना क्यूटेस्ट। वाओ, हनीमून पे कुछ चीजें रह गई थी जो यहाँ पे भी हो रही थी। चुपचाप बैठ, बड़े भाई की शर्म नहीं है। वेलकम, जोरदार तालियां। रोहन एक बात बताओ आप। हाँ जी भाई, आप पहले से इतने मासूम थे के कक्कड़ पे नजर पड़ी तो सारी अक्कड़ निकल गई आपकी? नहीं पाजी, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। मासूम? मासूम। हाँ, बहुत मासूम। करली पेट खुली। अरे सही, अब आप देखो, सब लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, कहाँ मुलाकात हुई आप दोनों की? हमारी एक्चुअली चंडीगढ़ में मुलाकात हुई, हम पहली बार चंडीगढ़ में मिले। इनफैक्ट रोहू को ये तक भी याद है, कहते कि आपने मुझे ऐसे देखा था और 7:30 बजे उस टाइम, ये सब याद है इनको, इतने क्यूट है। तो फिर क्या मतलब, क्या क्या हुआ? बताओ बेबी, सारा मैं ही बोलूं क्या? अच्छा। तो फिर एक्चुअली ये अपने घर थे, मैं अपने घर था, और मुझे सडनली ना फोन आया। अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसे करके एक शूट है हम प्लान कर रहे हैं, तो आप करना चाहोगे शूट है? तो मैंने बोला कि मतलब किन के साथ है, कहते नहीं कक्कड़ में कल है भाई, नेकी तो पूछ। तो शूट क्या, गाने का शूट था? गाने का शूट। अच्छा, हमें लगा कि शायद आप किसी रियलिटी शो में मिले हो वहाँ पे, और फिर कंपोजिशन तैयार हुई आपकी ऐसा? नहीं, कंपोजिशन अच्छा, गाने का ये है कि इन्होंने कंपोज भी खुद किया, कंपोजिशन भी इन्होंने बनाई और लिखा भी इन्होंने खुद ही, पहली बार। अच्छा। और
जैसे मुझे लगता कि गाना तो चलो लिखा लिखा, लेकिन उसके साथ मेरी किस्मत भी लिख दी इन्होंने कि मैं इनकी लाइफ में आ गया, ये मेरी लाइफ में आ गया, इनकी लाइफ में आ गया है। उसके बाद फिर मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी। ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही प्यारे हैं, जैसे दिखते हैं उससे ज्यादा प्यारे हैं, दिल से ज्यादा प्यारे हैं। That's a lovely thing. तालियां भाई, तालियां। कितना वक्त हुआ एक साथ? दसों मारे जाए कितना टाइम हुआ? हम एक्चुअली अगस्त में ही मिले हैं। इसी अगस्त में? हाँ जी, पहली बार मिले। पहली बार मिले। वाओ, चट मंगनी पट ब्याह टाइप। चट मंगनी पट ब्याह। ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं कि जोड़ियां जो होती हैं ऊपर ही बनती हैं, और ये ऊपर वाले ने बनाया होता है पहले से, हमें अगस्त में पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। हम जब मिले एक्चुअली तो रोहू वाज सो स्वीट विद एवरीवन ऑन द सेट। जो हमारे गाना है जो नेहुदा व्या जो बनाया मैंने, उसके शूट पर जब ये मिले, मुझे इतना ये बात इनकी इतनी प्यारी लगी कि हर किसी से इतने प्यार से बात करते हैं जो भी हो, तो मुझे ये बात तो इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि यू नो ही इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग, ही ट्रीट्स एवरी वन सेम तरह, और बाकी हैंडसम तो है ही इतने है। पहला कदम किसने उठाया? हमारा जब शूट खत्म हुआ, इन्होंने मुझसे बोला कि आपका स्नैपचैट आईडी क्या है। अच्छा। बस फिर पूछ लिया इन्होंने, वहीं से चैटिंग शुरू हो गई। अगर नेहा बोल देती कि मैं स्नैपचैट पे नहीं हूँ, फिर आपका नेक्स्ट क्या था प्लान? व्हाट्सएप कॉमन सेंस भाई, बंदा तैयार था पहले। अच्छा, 21 अक्टूबर को इनका गाना आया नेहुदा व्या, तो 24 को इनकी शादी थी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो अर्चना जी मेरे से पूछ रही थी, जब नेहा आएंगी तो उनसे पूछना, ये जो गाना बनाया है ये शादी को प्रमोट करने के लिए बनाया है कि गाने को प्रमोट करने के लिए शादी की है? पर जब इन्होंने आपको प्रपोज किया रोहन ने, तो आपने बदले में आई लव यू टू बोला कि आपने बोला कि आप मुंबई आ सकते हो? इनफैक्ट जब हम मिले, तो जब हमारी बातें शुरू हुई, तो मैंने पहले ही रोहू को बोल दिया, मैंने कहा देखो रोहू, मैं रिलेशनशिप में भी तभी आ सकती हूँ तब, क्योंकि मुझे अभी शादी करनी है, इट्स नाउ माई एज टू गेट मैरिड, है ना, सब कुछ हो गया, आई एम वेरी सक्सेसफुल माता रानी की कृपा से, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट अब मुझे शादी करनी है, मुझे ऐसे रिलेशनशिप नहीं करनी है। तो ही सेड कि ये मतलब मेरी, मैं अभी 25 साल का हूँ, मेरी कहाँ उम्र है अभी शादी करने की? तो ऐसा ठीक है फाइन, फिर हमने बात करना छोड़ दिया। वन फाइन डे हम ऐसे ही हाय हेलो हुई, तो ही वॉज लाइक नेहू आई कांट लिव विदाउट यू। मैंने कहा ओह दैट इज सो क्यूट। मैंने कहा मतलब, ही सेड लेट्स गेट मैरिड। मैंने कहा व्हाट, सीरियसली? इन्होंने दो तीन बियर चढ़ाई हुई थी। मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो चलेगा, जुत्तियां बहुत पहनी हैं मेरे। तो मैंने कहा है बियर पी हुई है, छोड़ो सुबह भूल जाएंगे ये। बेचारा रोहन प्रीत। यार ऐसा क्यों लगता है लड़कियों को कि अगर लड़के ने कोई बियर पी के ऐसे बोल दिया तो सुबह भूल जाएगा वो उल्टा और इमोशंस बाहर आते हैं बंदे के। रियलिटी अंदर वाला सच निकल के बाहर आ रहा होता है। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग, इनफैक्ट मैं दोबारा चंडीगढ़ लैंड करने वाली थी फॉर अनदर शूट, और जब लैंड किया ये मेरे पास आ गए होटल में, और फिर कहते हैं नेहू कल की बात याद है ना आपको? मैंने कहा पी थी आपने, मुझे क्यों नहीं याद रहेगी? तो बस फिर ऐसे ही, फिर मैंने कहा मम्मा से बात कर लो, मम्मा आए हुए थे शूट पे। अच्छा। तो हम लोग मिले, मम्मी तो जो रोहू की दीवानी हुई, कहती हैं सब कहते हैं नेहू की स्माइल इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, उन्होंने तो आपकी, किसी ने आपकी स्माइल ही नहीं देखी। कहते हैं नेहू से भी ज्यादा अच्छी रोहू की स्माइल है, नेहू मुझे तो रोहू बहुत पसंद है। फिर हो गया नहीं, पर स्माइल थोड़ी आपकी ज्यादा प्यारी है। बातें हुई नहीं अभी रास्ते में, गॉड ब्लेस, ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसे खुश रहो। दोनों पेरेंट्स के साइड से किसी से कोई एतराज नहीं था कि इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया है? वरना होता है ना नॉर्मली कि नहीं, अभी एक दूसरे को जानते नहीं हो तो। दोनों बच्चे अच्छा कमा रहे हो, फिर नहीं माँ बाप पूछते, फिर नहीं करते। वो तो होता है कि बच्चे कर भी कुछ नहीं रहे, कहते कुछ नहीं कर रहे तो शादी कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अच्छा अर्चना मैम, आप भी थोड़ी अपनी स्टोरी शेयर करो ना बच्चों के साथ, उनको अच्छा लगेगा। आपकी जब शादी हुई तो फिर क्या हुआ था? फिर आप परमीत सर को भगा के कंधे पे कहाँ ले गई थी? कंधे पे तो नहीं लेकर गई थी कहीं, लेकिन हम दोनों ने मतलब परमीत के पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे थे। ओह। इस वजह से नहीं कि मैं सिख नहीं हूँ,
मैं तो पंजाबी भी नहीं, राजपूत हूँ, लेकिन इस वजह से कि एक्ट्रेस है, यू नो, अब उनको ये दुनिया बिल्कुल नहीं पता थी. तो फिर परमीत वो लगता बहुत सीधा है, लेकिन जो उसको चाहिए, जो करना है, मतलब कोई नहीं रोक सकता. तो ही सेड लेट्स गेट मैरिड. तो मैंने कहा कब? तो कहता है टू नाइट. तो हम पंडित के पास गए, तो पंडित बोलता है लड़की बालिग है. तो परमीत बोलते हैं गाड़ी में बैठी है, वो मुझसे भी ज्यादा बालिग है. तो उसने पंडित बोला कल आऊंगा, कल मुहूर्त है. सुबह मेरी शूटिंग थी एफसी मेहरा की एक फिल्म के लिए, वो सैफ की डेब्यू फिल्म, और मैं लेट पहुंची क्योंकि, और जब फेरे हो रहे थे तो मेरे हेडड्रेसर का फोन आया, मैम कितने बजे पहुंच रही हो. तो मैं पंडित जी को बोल, मैं कहा धीरे मंत्र थोड़े धीरे बोले, हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ. तो किसी को पता नहीं लगने देना था कि हमारी शादी हो रही है. तो हमने 4 साल तक शादी छुपाई. हमारे बड़े देखो कितने चालू थे. 4 साल तक पता ही नहीं चलने दिया किसी को. उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग काफी कुछ करके निकल गए. अच्छा नेहा, इतना प्यार मिला है आपको, आपकी शादी पे इतनी ब्लेसिंग्स मिली है, आपने तो देखा नहीं कि आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कैसे किया. पर क्योंकि आप दोनों बेहतरीन कलाकार हैं, वो मोमेंट रिक्रिएट करते हैं. आई नो वो वैसा तो नहीं होगा, पर हाँ हमारे हमारा बजट देखो. रोहन रोहू नेहू, ये मैं आपके लिए फूल आपको दे रहा हूँ. अभी रुक जाओ बेबी, अभी नहीं, यहाँ पे आके बकायदा प्रॉपर. अब यार कलाकार हो आप तो. बेबी कम ऑन यार. ਸੁਨੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ? ਜੋ ਲਵ ਮੀ ਵਿਲ ਯੂ ਮੈਰੀ ਮੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਵਿਲ ਆਈ ਯੂ ਮੈਰੀ. ਗੋਡ ਬਲੈਸ. ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨੇਹਾ ਕੋ. ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ. ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੇ ਇਤਨਾ ਸੁਰੀਲਾ ਘਰਵਾਲਾ ਢੂੰਡਾ ਨਾ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. लेकिन इतने शोज में सबसे ज्यादा रोमांटिक नंबर आप दोनों ने किया है. ब्यूटीफुल, प्योर ट्रू रोमांस. क्योंकि हमेशा अगर प्लेबैक भी करेंगे किसी एक्टर के लिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए गा रहे थे. इससे ज्यादा फील कभी आ भी नहीं सकता. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू भैया. रोहन एक बात बताओ, जैसे नेहा के घर में सबके छोटे छोटे नाम है, नेहा सोनू टोनी है ना, अंकल आंटी का भी छोटा छोटा ही है, अंकल आंटी. तो आपको ससुराल वालों ने कोई निकनेम दिया है कि वो आपको ऐसे बुलाता है, हेलो रोहनप्रीत सिंह बेटा? ये तो प्यार से आपको रोहू बुलाती है. हाँ जी, वही सभी मेरे को, मामा जी भी, सभी टोनी भाई भी, सोनू दीदी भी, सभी मेरे को प्यार से रोहू ही बोलते हैं. अच्छा यार, मुझे ना सीरियसली मुझे पता था, जब आपकी न्यूज सुनी मैंने, मुझे पता था कि रोहन गाता है, लेकिन इतना अच्छा गाता है ये नहीं मेरे को पता था. थैंक यू सो मच भाई. तो आप रोहन मतलब चंडीगढ़ में ही पले बड़े हैं? मैं बेसिकली पाजी पटियाला से हूँ. ओके, तो आपने सीखा कहीं से? हाँ जी, मैंने सीखा अपने पापा के चाचा जी से सीखा. अच्छा. और अपनी मासी से सीखा मैंने. वाओ. बाकी फिर जहाँ जहाँ से सुनने को मिला, सीखने को मिला. तो क्या वो छोटी छोटी जो मुर्गियां ले रहा था, वाह शाबाश मेरा बच्चा, वेरी गुड. अच्छा अब ये नेहा रोहन की शादी एक्चुअली मेमोरेबल रहेगी, एक तो इतना पब्लिक प्यार करती है, और दूसरी बात ये कि शादी लॉकडाउन में हुई है ना, और ये तो हमें भी पता चला कि दूल्हा भी लॉकडाउन में ढूंढा गया. और जब नेहा की मेरी बात हुई फोन पे, तो कहती भैया हम लोग ना बड़ा क्लोज वो उसमें कर रहे हैं, बहुत क्लोज हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, लेकिन पंजाबियों के अगर क्लोज क्लोज करते भी 450-500 हो ही जाते हैं. तो टोटल कितने लोग आए थे आपकी शादी में? एट दैट टाइम 200 लोग अलाउड थे. 800 तो हो ही गए होंगे. ओ पंजाब जो है. ये मैं बात से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ ना. मैं तो अपनी शादी में छुप गया था, पता है जलंधर जब गिनी. हाँ क्यों? अरे इतनी पब्लिक थी, हमें तो पता ही नहीं था. जहाँ पे हमने बुक किया था वेन्यू, उन्होंने वैसे ही अपनी खुशी में 400 गेस्ट अपने बुला लिए. पैसे किसने दिए प्लेटों के? मैं कौन सा वापिस गया जलंधर. अच्छा अर्चना जी का सवाल था एक नेहा, ये कह रही थी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे लोग जो है आ नहीं पा रहे थे, अलाउड भी नहीं था, तो लोगों ने आपको ऑनलाइन बड़े मैसेजेस भेजे, और बहुत सारे लोगों ने आपको पर्सनली भी मैसेजेस भी भेजे होंगे, तो शगुन भी ऑनलाइन भेजते थे लोग. मैंने बोला भी था ये सवाल मत पूछा करो, पर चलो. क्या क्या सवाल है भैया? आप ही ना बेचारी अर्चना मैम. नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ना अर्चना जी जो है ये सोनी टीवी ने उनको एज ए बुआ रखा हुआ है.
तो ये मतलब कोई भी नया कपल जो शादी करके आता है तो ये 51,000 रुपया लेती है। पर आप अगर बोलो तो मैं आपकी डील करा सकता हूँ, 1500 में भी मान जाएंगे। पर मैं आपको बोलूँ नेहा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इनको शगुन दे के जाना, नहीं तो फिर ये ना फिर इंस्टाग्राम पे मंगल सिंह के नाम से कमेंट करेंगे आपको अजीब अजीब से। पर मेरे को ये बोल रही थी बहुत स्वीट है, कहती नहीं शगुन वगुन क्या लेना, बच्चे हैं और नेहा के इतने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 500-700 वही शिफ्ट करा दो। इसके पास तो 50 मिलियन है, कितने मिलियन है? हाँ जी अब 50 होने वाले हैं। माय गॉड 50 मिलियन फॉलोअर्स, क्या बात है। बट नेहा तो 50 मिलियन में से जितने भी अगर 25 मिलियन लड़के हैं तो सबका दिल तोड़ा होगा तुम्हें शायद। एक्चुअली मैं रोहू बिल्कुल बिल्कुल हां जी आप बोल सकते हो। बधाई के मैसेज तो आए होंगे, बहुत सारे लड़कों ने ये भी लिखा होगा है शादी कर ली, क्यों करी शादी, है ना ऐसा करा होगा, कहा बहुत बहुत ज्यादा, अब क्या बताएं। अब मैंने कहा छोड़ो रहने ही दो। मैंने नहीं मैसेज खोल के देखे किसी के। नहीं अच्छी बात है, आपका अभी गाना भी आया ना एक्स कॉलिंग। हाँ जी हाँ जी भाई। क्या हुआ? मैंने अनफॉलो करवा दिया। अच्छा, इन्होंने गाना बना लिया। मैंने तो मजाक में पूछा था, सच्ची स्टोरी थी कोई? तूने तो पोल खोल दिया। नहीं कर ली। अच्छा, मुझे लगा किसी लिरिक्स राइटर ने ऐसे गाना लिख के दिया होगा। नहीं नहीं एक्चुअली बब्बू पाजी ने लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आई थिंक मैं कहूंगी लिरिसिस्ट, बड़ा ही कमाल का लिखते हैं। तो एक्स कॉलिंग भी उन्होंने ही लिखा है। बट ये कमाल की बात है, हमारी शादी जो भी हमारी लाइफ में इस टाइम पे जितने भी गाने आए हैं, जैसे इससे पहले आया गीता गुजारा तेरे नाल है, ये मैंने रोहू के मिलने से पहले बनाया था। ओह माय गॉड रियली, आई स्वेयर ऑन माय म्यूजिक। पर तभी कहते हैं ना, कभी कभी जबान पे सरस्वती बैठी होती है, जब आप बोलते हो तो वो चीजें हो जाती हैं। वाह, मैंने भी एक गाना लिखा है, मैनू बच्चे बहुत पसंद है। अच्छा रोहन, एक बात बताओ, जैसे नेहा के घर में सारी म्यूजिकल फैमिली है, नेहा गाती हैं, टोनी गाते हैं, सोनू गाते हैं, तो जब आप मिले थे उनसे सबसे, तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ कि आपको माइक दे के ऑडिशन दिया गया था? नहीं नहीं, मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था, सभी एक कमरे में बैठे हुए थे। तो पहले तो मैं आई थिंक मिला था मम्मा पापा से मिला था, है ना, फिर टोनी भाई से मिला था, फिर सबसे बाद में सोनू दीदी से मिला था। गाना तो सुना ही होगा उन्होंने, ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं ऐसा नहीं गाना, लेकिन शादी पे हमने जरूर गाया था, तब सभी ने सुना था गाना। अच्छा। जी पहली बार सुना था आपको गाते हुए? हाँ, सोनू दीदी ने आई थिंक पहली बार सुना था ना लाइव, पहली बार। बट वो एक्चुअली सोनू दीदी और जीजू को रोहू पसंद थे पहले से, एक फेमस रियलिटी शो में आए थे, ही वाज एक्चुअली द मोस्ट फेमस कंटेस्टेंट इन दैट शो, लोग उनको बहुत पसंद करते थे, वहां से दीदी को और जीजू को रोहू पसंद थे, और वो लोग तब से इनको बोलते थे सोना सरदार। बट कमाल की बात है, जब इनको पहले से ही पसंद था लड़का, इतना वेट क्यों करा है, मुझे पहले ही बता देते, मैं मिल लेती हूँ। हाँ, चंडीगढ़ की फ्लाइट का खर्चा बचता है। इतनी क्यूट है, कहीं पे भी बात खत्म कर देती है, तो ऐसा हुआ। अच्छा जैसे नेहा ने, अब नेहा तो इतनी बड़ी स्टार है, इतनी पॉपुलर है, तो टीवी शोज में जज भी है ये जी, सब जानते हैं नेहा को, है ना? बिल्कुल। लेकिन शादी के बाद होता है ना कि सब, जब दुल्हन घर आती है तो मुंह दिखाई की रस्म होती है, दुल्हन का मुंह जब दिखाई होती है तो सब शगुन देते हैं, तो फिर ससुराल वालों ने बोला था, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने तो नेहा को बड़ी बार देखा, हम पैसे बचाते हैं? हाँ, पर मुंह दिखाई वाली प्रॉपर रस्म हुई थी आपकी? नहीं हुई, नहीं हुई, वो हुई थी, वो बेबी, वो क्या होता है, वो ऐसे ढूंढते ढूंढते रिंग्स ढूंढते हैं यार, वो हुआ। और गेस व्हाट, कौन जीता? कौन जीता? कि पता नहीं क्यों है, हम नहीं मानते एक सेकंड। क्या क्यों? मैंने एक बच्ची देखी है, मेरी शादी जब हुई तो तब भी गिनी ने वो ढूंढा, तो बोलते कि अफवाह सुननी थी हमने कि जिसको वो रिंग मिलती है ना घर में उसकी चलती है, हालांकि रिंग गिनी ने ढूंढी पर चलती भी उसकी है। पर यार बड़ी प्यारी रस्म होती है ना, करें दोबारा यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए, और लेके आओ अरेंजमेंट। वाह वाह लवली, अर्चना जी आप करवाओ ना, आओ प्लीज। ये तो बड़ी सीरियस है। उसको कितना मजा आया ना रिंग ढूंढने में, फिर 1 2 3 स्टार्ट करके अर्चना जी आपको हाथ घुमा के, हाँ हाथ म्यूजिक चलेगा, मजा आएगा, तो मैं घुमा के यूं पहन ही लूं। बैठ जाओ आप भी ना। चलो
बेस्ट ऑफ थ्री होगा, अभी एक ही हुआ है रोहन, अब दोनों बार ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर देख लेना अपना पहला जो कॉकरोच है, कॉकरोच निकाल दो। बेबी नहीं होगा। छोड़ने के सच्ची में कॉकरोच है, हाउ डू यू नो यार? मेरे हाथ में ऐसे उठा के मैं अभी रखा भैया। ईमानदारी से जीतो, कंटेस्टेंट को डराना नहीं है। दिस इज रॉन्ग। आप मुझे डरा रहे हो, सही कह रहे हो आप। हां मैं तो समझी नहीं आपकी टेक्निक्स। चलिए ओके, एक बार हो गया, दूसरी बार रोहन दे। ये तो मरा हुआ है भाई, ये प्लास्टिक का डराने के लिए यार ऐसे ही डाला इन्होंने। तुझे पता था प्लास्टिक का कॉकरोच? मेरे को पता, प्रोडक्शन वालों ने चेक करके डाला होगा, इन्होंने नकली डाला होगा। हाय राम, हार्ट अटैक हो गया था मेरा। हाँ, तो हां मुझे भी। चलिए आ जाओ आ जाओ, ऐसे कितना लाभ भी लेनी है। चलो जी चलो, ये होगा इस बार पहली बार सुपर ओवर होगा। अब जिसने ढूंढी तो घर में उसकी चलेगी, ऐसा माना जाता है, बाकी मैंने देखा है होता सच नहीं है। अब देख लो। चलिए वेट वेट, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। अरे ऐसे चेक कर रही थी। मुबारक हो, जीत गई। एक्चुअली तुम भी जीते तो चलती तो इसी की ना। गेम गेम। चलो जीते रहो। आयो शाबाश। आयो काकड़ों का। आयो मेरा बच्चा गोल्ड मेडल जीता। आयो। नेहा ने अंगूठी जीत ली, आपके लिए अनार। ये प्लीज क्लियर किया जाए। चंदू, तुमसे ना होगा, तुम रहने दो। इतनी मुश्किल से तुम्हें मैंने परफॉर्मेंस तैयार कराई थी, सारी खराब कर दी तुमने। एक्सक्यूज मी, मैंने खराब की? शादियों में पता है तुमसे बेटर डांस वो नाराज फूफा कर लेते हैं। माने दो, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। तुम्हें अपना मान तो चुकाऊँ, और क्या गलती मानूँ मैं। जिसको तुम गलती कह रहे हो ना, बाहर लड़के मरे जा रहे गलती करने के लिए। सबसे पहले ना मेरी बात सुनो, अपने वहम की दुनिया से बाहर आओ। लड़के मरे जा रहे हैं, मैं हॉट लग रही हूँ। तुम्हें पता है, तुमसे मैं थोड़ा सा फ्लर्ट करता हूँ, इसको सीरियसली मत लिया करो। तुम मेरा रिटायरमेंट प्लान हो। कि लड़की कोई पड़ गई ठीक है, नहीं तो तुम तो हो ही। हाथ का पेंशन दूंगी मैं तुम्हें, समझ में आई तुम्हें बात? तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। वैसे दीदी जीजी कैसे लगा आपको हमारा डांस? बहुत ब्यूटीफुल, क्या परफॉर्मेंस थी ना। तुम लोगों को अगर बधाई मांगने आना होता, प्रॉपर ढोलकी वगैरह लेके आया करो। और घुंघरू कहाँ है तुम्हारे? एक्सक्यूज मी, सालिया बधाई मांगती नहीं है, उन्हें तो शगुन मिलता है, क्यों जीजू? बिल्कुल भी नहीं। अरे जीजू ऐसे कैसे? अरे एकदम हीरे जैसी बहन दी है, तो भाई डायमंड रिंग से कम में तो मैं मानूंगी नहीं। अच्छा मेरी अगर कहीं ऐसी साली होती मैं तो शर्त रख देता। क्या? कि खाना भले ठंडा खिला दो, इसको नहीं इनवाइट करना। कैसी फालतू बातें कर रहे हो तुम कप्पू? वैसे कप्पू तुम्हें पता है, चंदू तुम्हें पता है तुम दोनों को, कि दीदी और जीजू आपस में इनकी बातचीत किसने चलवाई? किसने? मैंने। सही बात है, सही कह रही है। ये दोनों बैठकर इसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे, देखी जा नहीं रही थी परफॉर्मेंस, कहते छोड़ो यार आपस में बात ही कर लेते हैं। बातों बातों में बात बन गई। चलो कोई नहीं, कम से कम मेरी परफॉर्मेंस के चक्कर में दो लोग एक तो हो गए। इसकी परफॉर्मेंस तो केरला बैंगलोर जैसी जगहों पे बैन ही हो गई है। वहाँ पे लोग कहते कि इतना पढ़ लिख किसको देखेंगे। वैसे I'm very sorry, मैं आप दोनों की शादी में आई नहीं पाई। वो क्या है ना, actually on the spot मेरी flight cancel हो गई। क्यों? नहीं flight नहीं, pilot मना कर दिया था। pilot कहता मैं auto चला लूँगा, इसको बिठा के मेरे जहाज़ में चला लूँगा। देखो कप्पू, भूरी के चक्कर में ना कई auto चलाने वाले pilot बन गए।
तो अगर एक आध पायलट ऑटो चला लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अपने दोस्त को देख लो, मेरी संगत में रह के कितना अपडेट हो गया, कितना कुछ सीख गया है। हाँ जी, मैंने बड़ा कुछ सीखा है। इंडस्ट्री में इंसल्ट कैसे नहीं फील करनी, इसी ने सिखाया मुझे। कहनी बेइज्जती और सर्दी एक जैसी होती है, फील करो तो लगती है, नहीं तो नहीं लगती। इसको पता है मैंने मैनर सिखा है। नेहा पहले ये शादियों में जाता था, फोक और स्पून के बीच में इसको फर्क नहीं समझ में आता था, चार फोक जोड़ के कंघी बना लेता था। और उसी कंघी के साथ मैं इसकी जुएं निकालता था। ये भी इसके आगे कुछ बोला ना, मैं यार चप्पल उठा लूंगी। अब सुबह मंदिर से उठाई थी तुमने। तुम इम्प्रेशन पे नहीं, तुम एक्सप्रेशन पे वर्क करो। हाँ, एक्सप्रेशन अच्छे होंगे, इम्प्रेशन खुद ब खुद पड़ जाएगा। एक्सप्रेशन की बात कर कौन रहा है? चंदू, तुमसे ज्यादा यहाँ एक्सप्रेशन तो ये संतरे और सेब देते हैं, और देखो सोनी को महंगे भी नहीं पड़ते। बुरी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे एक्सप्रेशन की वजह से शो में चार्म है। क्या है? शो में चार्म है। चार्म है, कहता है। चार्म, 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 चार्म। इधर तेरा तंदूर गरम है, इधर पंखे लगा दे। मैं बताता, मुझे बताया गया है, बचपन में मेरे पूरे चेहरे पे काला टीका लगाते थे ताकि मेरे को नजर ना लग जाए। ग्लो बड़ा था मेरे फेस पे। अच्छा, तुम्हें और नजर जी, जो आपको पता है ना, वो घर पे नजर ना लगे तो घर के बाहर घोड़े की नाल टंगाते हैं, वैसे ही घोड़े अपने घरों को नजर से बचाने के लिए चंदू की चप्पल टांगते हैं। मैं सच कहूं, मुझे सच आज से पहले तुम कभी अच्छी नहीं लगी। आज ये जो तुमने बात बोली चंदू पे, ऊपर से तुम्हारी ड्रेस भी बड़ी अच्छी है, तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। मेरे साथ बना के रखती ना, इसके साथ एंट्री कभी ना होने देता तुम्हें। तुम रख लो यार, तुम रख लो, मैं जा रहा हूँ। हद है यार। अरे यार चंदू, ओए पहले तो दलेर पाजी का कुर्ता वापस कर गया। मेरी बात सुनो, कमियां तुम में और भी बहुत है, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारा विकास रुका हुआ है। अरे मेरी विकास ही छोड़ो, मैं ना देखो तुम्हारी फालतू बातें सुनने तो आई नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो यहाँ नेहा को मैरिड लाइफ पे टिप्स देने आई हूँ। वेरी गुड, शाबाश, मैं भी दूंगा। टिप नंबर वन, कभी अगर सास से अनबन हो जाए, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए ना, आप उन्हें गुड न्यूज सुना दो। वो क्या है कि वो बिजी हो जाएंगी, वो खुशी के मारे पोती पोतियों के लिए स्वेटर बुनने लग जाएंगी। वो बिजी, आप खुश, प्रॉब्लम सॉल्व। यस, और अगर बात थोड़ी सी बढ़ जाए तो आप रोहन को लेकर मुंबई आ जाओ, और अगर मम्मी जी भी बोले मैं मुंबई आना है, तो आपके पास डायलॉग तो है ही कि आप मुंबई नहीं आ सकती। अभी बात सुनो, वो दोनों अभी अभी दुबई घूम के आए हैं, फिर क्या जरूरत थी दोनों खजूर जैसा मुंह लेके आ गए तुम लोग? शुक्र करो खजूर जैसा लेकर आए, इसकी बात मान लो तो दो मुंह इधर ऊंट वाले होने थे। तुम बड़ा यार टॉम क्रूज वाला मुंह लेकर आए हो ना। टॉम क्रूज? ऐसा लग रहा है मेमना शेरवानी पहन के खड़ा हुआ है यहाँ पे। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू कपूर, आज से तुम असली आर्टिस्ट हुई। वैसे नेहा, मैं सच बताऊं, मैंने आपकी शादी की वीडियोस देखी, आप दोनों इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, लाइक उफ, अब तो मैं सोचूं मैं भी शादी कर लूं। तुम्हारे सोचने से क्या होता है, कोई लड़का भी तो राजी होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जितने इधर एपिसोड नहीं ना हो गए, उससे कहीं ज्यादा लड़के इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। लड़के मुझे रिजेक्ट नहीं कर चुके, मैं उन्हें रिजेक्ट कर चुकी हूँ। बहाने ना तुम्हें बहुत ज्यादा बनाने आते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने वो कहानी सुनी है ना चलाक लोमड़ी वाली? हाँ जी। वो जिसमें कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी कोई और नहीं, इनकी दादी थी। पहली बात तो वो लोमड़ी नहीं होती, लोमड़ी होती है। अब क्या खाले? भैया भूख लग गई, मेरा भी खाने का मन हो गया। ये ले, इसमें किला डलवा लेना। वैसे आपने भी वो कहानी सुनी है ना प्यासे कौवे की, इन्हीं के दादाजी थे। मेरी सोनी साहब से रिक्वेस्ट है, हाँ। इन दोनों को जमीन के रास्ते बॉर्डर पार करवा दिया जाए, कि ये ना हो भारत सरकार इनकी नागरिकता रद्द कर दे। पप्पू, लंदन की नागरिकता दिला दो प्लीज। मेरी बात सुनो, बात बहुत अच्छी थी, नागरिकता भी मिल जानी थी, सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, नहीं तो लाफ्टर बहुत बढ़ाना था। कॉन्फिडेंस की बात कौन कर रहा है, देख लो
नेहा यहाँ पे हीरोइनों को तो आप छोड़ दीजिए, हीरो के आंखों में देख के ये बात नहीं कर पाता। कॉन्फिडेंस नेहा जी मुझ में बहुत ज्यादा है। इधर बार मैंने आधा घंटा आपके ड्राइवर से बात की है। हाँ। इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में। उसने मुझे लंच भी करवाया है। अरे, अरे उसकी गाड़ी में कपड़ा मारोगे तो लंच करवा ही देगा। गाड़ी में कोई कपड़ा नहीं मारा, वो मैंने थोड़ी सी हेल्प की। एक्चुअली वो बीट साफ नहीं हो रही थी उसके। किसकी बीट? ड्राइवर की? गाड़ी पे कबूतर की बीट। तेरी बात सुनो, तुम अर्चना जी के सैंडल नहीं साफ कर दी? कर रही थी ना उसने सैंडल साफ। बस ये नहीं बताती कि अर्चना जी से खिलाती क्या है। एक सेकंड, तुम क्यों हाथ धोके मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मुंह धोके क्यों नहीं पड़ते? आज जाने से याद आया, मेरी बात सुनो। वो सरकार ना फ्री सैनिटाइजर और मास्क बांट रही है, आओ ले आए। चलो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। आना फिर शाम को मेरे पास इधर। चंदू एक कटोरी सैनिटाइजर देना, रोटियां सैनिटाइज करनी है मैंने। यहाँ ना नेहा दीदी बैठी है, वरना आज मैं ना तुम्हें देख लेती। इधर रोहन जीजू भी बैठे, नहीं तो मैं तुम्हें देख लेता। देखो तुम दोनों तो देख लोगे एक दूसरे को, वो दोनों तुम्हें नहीं देख पा रहे। तुम, मैं कहता हूँ एग्जिट क्यों नहीं ले लेते? आओ डार्लिंग, आओ चले पीछे। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, किसको बोला? मेरी बात तो सुनो, तुम तो ऐसे हो। मेरी बात सुनो यार, तुम गुस्सा कर जाती हो। नेहा देखो, अभी बड़े भाई होने के नाते और एक बच्ची का बाप होने के नाते मैं कुछ तुम्हें टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखो आज नहीं तो कल परसों जब भी घर में खुशियाँ आएंगी जब, तो क्या होता है पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए हैं। तो मैं आपको ना सॉफ्ट बेबी टॉयज दूंगा और मैं आपको कुछ कंडीशंस दूंगा। देखिए पहली बार ऐसा हमारे एपिसोड में हो रहा है, क्योंकि आज से पहले कोई इतना क्यूट कपल शादी करके आया नहीं, और वो भी वो जो मेरे लिए तो मेरे बच्चों जैसी है। तो मैं वो मंगवा रहा हूँ आपको, मैं जो बोलूंगा कि इसको कैसे चुप कराना है, इसको क्या, तो वो सब करके दिखाना है। बाकी तो टाइम के हिसाब से सीख ही जाओगे। जी प्लीज लेके आया जरा। छोटे बेबीज हैं। ओह गॉड, बड़े प्यारे। आचो मेरा बेबी, आचो आचो। ओले ओले ओले। आचो आचो आचो। बाल हैं नहीं, दांत निकले हुए हैं। रोहन ये लो। ओले बाबू, चो क्यूट। ओले ओले, ये तो इधर मुंह करो बेटा। ओके, फर्स्ट सिचुएशन ये है, बच्चा रो रहा है, उसको शांत करने के लिए आप क्या करोगे? मुंह में अंगूठा डाल देंगे। मुंह में अंगूठा? चुप चुप चुप। ओ बेबी चुप कराओ, बेबी रो रहा है। चुप बेबी, मेरे वाला चुप बेबी। बेबी चुप ना, ना ये तो पागल। और नहीं रुलाना उसको, चुप कराना है। चुप चुप चुप। नेहा कैसे इसको कैसे चुप कराएंगे, क्या करेंगे? ले 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 नहीं। अच्छा बच्चा बेबी जो है वो 3 महीने से छोटा है। 3 महीने से छोटा है? हाँ। मुझे नहीं पता। हाँ, मम्मी के पास तो आके वैसे ही चुप हो जाएगा। हाँ। पर मेरे पास एक टेक्निक है, ये देखो। अब बंद करो ये। इतना भी नहीं रोता कोई बच्चा। तो जो 3 महीने से छोटा बच्चा होता है ना, बेसिकली ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपने उसको पूरा ऐसे हिलाना है, या तो ऐसे बाजू में पकड़ के, या फिर एक नंबर ये होता है ऐसे, 2 नंबर होता है ये। अच्छा। और 3 नंबर यहाँ पे रख के ऐसे 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 करके बच्चा वाइब्रेशन पे जब लग जाता है ना ऐसे, तो उसको बहुत जल्दी नींद आती है। सो ये टिप नंबर 1 था, याद रखना रोहन, ये सब नहीं करना जो भी कर रहे थे। ओके, बच्चे को सुसु करवाना है तो कौन सी आवाज निकालोगे? ये बंदा, ये कहाँ कहाँ सीखा रोहन, ये कहाँ किसको करते हुए देख? मैंने आप बहुत बार किया है सर, जब कभी ना आ रहा हो तो। ओके, बच्चे को हंसाने के लिए आप क्या करोगे? कुछ फनी फेसेस बताना। अपना एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगा कि अब देखो हम लोग इतने सालों से कॉमेडी शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा अनायरा को जब गिन्नी उठाती तो गिन्नी उसको हंसाती थी। अच्छा। तो 2-3 बार मैंने कोशिश की करती, हंसी नहीं, इधर मुंह कर लिया उसने। मेरे को इतना ऑकवर्ड एम्बैरस हुआ। मैं कहा यार लोग मुझे जानते ही इस वजह से कि अच्छा मैं कॉमेडी करता हूँ, मेरा बच्चा ही नहीं हंस रहा मेरी बात पे।
तो गिन्नी क्या करती है? तो मैंने बड़े गौर से देखा, वो डायलॉग तो उनको समझ आते नहीं बच्चों को, क्या बोल रहे हो आप, वो एक्चुअली फनी फेसेस पे हंसते हैं, अजीब अजीब से मुंह बनाओ ना आप तो फिर बड़ा हंसते हैं। तो ये थी मेरी ट्रेनिंग, जितनी मेरे को नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया, धन्यवाद। आप हमारे बेबीज दे दो प्लीज। रोहन तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं पकड़ाऊंगा, नेहा ने बहुत अच्छा कैरी किया, आज बैठा जो चलो। मसा मसा इनका हनीमून अभी खत्म हुआ है और बच्चों की बात कर दी, बताइए है ना, रिजल्ट इन्हीं चीजों के बाद आते हैं, आपको नहीं पता आप अच्छा अफवाहें तो आपको पता है, हाँ जी, स्टार्स के बारे में उड़ती हैं। रोहन देखो शादी होते अफवाहें उड़ रही हैं। ओहो, कहते हैं अफवाह ये है कि शादी के पहले आप खेलते थे अकड़ बकड़ बम्बे पो, अब आप खेलते हो ककड़ ककड़ खम्बे को, और अब क्या करे वो हमारी बच्ची है तो उस हिसाब से मुझे पता है ये अफवाह है, पर मेरे को बोलने में बड़ा मजा आ रहा था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ककड़ ककड़ कम्बे को, वाह। अच्छा नेहा ये अफवाह है, ये मुझे डाउट है कि ये सच भी हो सकता है। कहते अफवाह ये है कि आपने अपनी शादी के संगीत और रिसेप्शन में जो गाने गाए तो शगुन तो आपको मिला, आपने अलग से अपने ससुर जी को बिल भी भेजा कि ठीक है शादी अपनी जगह लेकिन शो के मैं इतने पैसे चार्ज करती हूं। बाप रे, एक बात बताऊं, इतने सीधे हैं मेरे ससुर जी, पापा जी और मम्मा जी, अगर मैं उनको एक्चुअली बोल दूं ना कि मैं तो परफॉर्म करने का, अब हमारी शादी में ही मैंने परफॉर्म किया, मैं पैसे लूंगी, वो कहेंगे अच्छा बेटा जी ठीक है, इतने प्यारे हैं, पंजाबी होते तो सीधे ही हैं, तभी तो बेचारे कुर्सियां छीन लेते हैं लोग उनकी। अच्छा रोहन एक अफवाह है कि नेहा के लिए आप जब भी कोई काम करते हो तो वो आपको थैंक यू नहीं, सीधे आउट ऑफ 10 नंबर देती हैं कुछ। ये हमारी बच्चों वाली अफवाहें थी, इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती है। समाप्त होती है। नेहा दीदी और रोहन जीजू के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाओ, वेरी नाइस ही लुक, ये वेरी क्यूट है दोनों। हाँ तो रब ने बनाई दी जोड़ी और जोड़ी ने बनाई दी दिहाड़ी। बहुत अच्छा लगा, अरे शादी के बाद एक अलग ही नूर आ गया ना, मस्त नूर है इनके चेहरे पे। मेरी बुआ की बेटी की शादी हुई थी ना, उधर लंगूर आ गया था। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग का ऐसे रहते हैं। खैर बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अच्छा मेरे को एक चीज जानने का था, अच्छा आप भी म्यूजिक इंडस्ट्री से, दोनों गाना वाना गाती है, तो जब आप लोग की शादी हुई थी तो पंडित ने आप लोगों के गुण मिलाए थे कि धुन मिलाई थी? नाइस ना, नाइस जोक ना, मैं लॉकडाउन में लिखी थी ये सब। हाँ मेरे को था कि म्यूजिक इंडस्ट्री वाले आएंगे ना कप्पू में, उन लोग को सुनाएगी। अच्छा वो आप लोग और शादी भी हो गई, मेरे जोक भी यूज हो गया मेरी। नाइस, मेरे को ना आपसे एक नॉलेज का बात भी जानने का था। प्लीज प्लीज, अभी ख्याल व्याल रखती है कि नहीं? हाँ पूरा, खाने पीने का तो वही जानना था मेरे को, जब ये जूस का ग्लास लेकर आती है तो ये ग्लास को ढक कर लाती है कि ककर लाती है? फिर मैं आपका पूरा फॉलो की मैं उधर इंस्टाग्राम पे, आप लोग हनीमून मनाने के लिए दुबई वुबई गए थे ना, हाँ तो आते आते मेरे लिए शेक ही ले आते। शेक ले आते, लोग खजूरे लेके आते। अरे तो शेक आता तो खजूर भी खुद ब खुद आ ही जाता ना, तू भी ना यार कप्पू। खैर मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनका स्माइल बहुत अच्छा है, स्माइलिंग फेस है बहुत, है ना? थैंक यू थैंक यू। आपको कोई भाई है? क्यों बहुत है मेरे भाई। नहीं नहीं, हमारी कोई बहन नहीं ना, इसलिए मैं बोली, मतलब एक ही बहन थी वो हमने आपको दे दी है। इनका ख्याल रखना पूरा पूरा, सभी इनको ऐसा सर्दी हो जुकाम हो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सीधा डॉक्टर के पास लेके जाने का, ये नहीं कि घर पे गाना बीना सुना दिया तो वो ठीक हो जाएगी। वो पुराना जमाना रहते थे ना वो हीरे ने लोग, हम पति का आवाज सुन ले तो अभी हम लोग खुश हो गए, ऐसा नहीं रहता है अभी। प्रैक्टिकल रहने का, डॉक्टर के पास लेके जाने का। हाँ और इधर भी किसी को किडनी विडनी का प्रॉब्लम रहेगा ना तो मेरे को बताना। क्यों? मैंने इंटरनेट पे देखा है कैसे ऑपरेशन करती है। हाँ मैं देखा, मैं कर सकती हूँ, कल मैंने ट्राई भी किया था। किसके ऊपर? एक आदमी का ट्राई, प्रॉब्लम हो गया उसका, वो मेरा नेट चला गया तो वो गया। आज मैं तेरा झूठा खा के आई थोड़ा सा। हाँ ये खैर आइए ना, जरा चलते हैं ना, हम लड़का लड़की अकेले। ओए उनकी शादी हो चुकी, क्या लेके जा रही है? तो शादी की बात करने के लिए ले जा रही है, और क्या लेके जा रही है मैं, आइए ना जरा। चलो चलो ऐसे सुनो,
मेरे को शादी की कोई ऐसी बात बताओ ना जिसको सुनकर मैं बोलूं सपना ऐसी बातें करे तो चल जा अंदर। हाँ अंदर जा ऐसी बातें अंदर जाऊं तो। चलो ना अंदर चलो ना मेरे साथ चलो ना आप 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 दो मिनट रुको मैं एक घंटे ना वो शादी करके रुको शादी करके आए वो क्या सोच रहे होंगे बदतमीजी कर रही है रोहन इसको मैं इसलिए इसको मुंह मत लगाओ आप बेबी शू क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में बेबी शू शू क्यूट है क्यूट है सॉरी हाँ मैं आपकी शादी में आ नहीं सकी क्यों मेरे को बुलाया नहीं था ना इन्होंने लेकिन मैं शादी के मस्त तैयारी वैयारी सब करके लाई थी कैसी तैयारी हाँ वो डिजाइनर नीता खुल्ला उससे नीता खुल्ला से मैंने टाइट कपड़े भी बनवा लिए थे हाँ और फिर वो हमारे वो मुलुंड की मौसी है मंजू मौसी उसके पास से पूरा मेहंदी विंदी का भी मैंने काम करवा लिया था और फिर मैं अम्बानी के घर भी गई थी उनके घर क्यों गई थी रिचार्ज करवाने के लिए अपना हाँ मेरे बाहर दुकान बंद थी तो मैं सोचा उधर ही जाती ना उनके घर पे और वो जो नीता अम्बानी है ना उनके साथ मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है हाँ वो मेरे को जैसे ही देखते ना गेट क्लोज कर देते हो सब कुछ मेकअप इत सारा मेहंदी वेहंदी सब करा है वैक्सिंग नहीं करे बाल आ रहे आप तो इसकी बात कर रही हैं यहाँ सुबह मेकअप करो शाम तक दाढ़ी आ जाती है संभालना पड़ता मेरे को सिर्फ कप्पू जिंदगी में एक ही बात का दुख है रे किसी बात का वो क्या है ना कि वो गेस्ट लिस्ट रहते हैं ना 50 लोग का आजकल तो 50 लोग ही अलाउड है ना शादी के अंदर हाँ. वो 50 लोग में भी मैं जगह नहीं बना पाई यार इनकी गेस्ट लिस्ट में मेरे को 50 थे अभी 50 हैं उस टाइम पे जब हमारी शादी हुई तब 200 पीपल वर अलाउड तो 200 आए थे तो उनका ऑडिशन किधर लिया था आपने ऑडिशन थोड़ी होता उसके लिए अरे इतना बड़ा ये जो रियलिटी शो करती है 12 कंटेस्टेंट फाइनल करने के लिए पूरे देश का ऑडिशन लेते हैं लोग तो 200 आदमी के लिए ऑडिशन नहीं लेंगे क्या ना बिल्कुल नहीं अरे यार इसी दोहरी मानसिकता का मैं विरोध करती हूँ सपना हो गया तेरा नहीं मेरा नहीं इनका हुआ है मेरा किधर हुआ है मेरा तो अभी बाकी है फिर शादी के मौके पर मैंने एक गाना लिखा है अच्छा वाओ मैंने एक गाना लिखा है इसमें लिरिक्स भी मेरे हैं अच्छा धुन भी मेरी है म्यूजिक भी मेरा है अच्छा और गाने का नाम है मेरा गाना तो मैं चाहती हूँ कि आप ये एक बार गा देंगे ना तो अच्छा रहेगा हम लोग नाला सुपर में सब खुश होंगे बहुत क्या कह रहे हो क्या है मैं गा दूँ आप कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी बातें कर रही है क्या लिरिक्स क्या है सांवली सलोनी अदाए मन मोनी यहाँ तक तो ठीक है हाँ। तेरे जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर तुझे गट गट मैं पी लूं लिट्टी चौका दूं लिट्टी चौका दूं तो ये आप गा देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए अभी गाना है हाँ। गा दिया ना ऐसे तो गाते हैं गा दिया चल ठीक है तू बोलता अभी आपने गाना बोला तो हमारी तरफ से गिफ्ट बनता है भी आप लोग आए हैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम हमारे घर में तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है तो आपके लिए खास मसाज है अभी नाराज फूफा मसाज शादियों में फूफा लोग नाराज रहते हैं ना इसमें क्या नाराज फूफा इसमें क्या करती है मैं फूफा को हम लोग तेल लगा के मस्त मसाज करते हैं उनको खुश कर देती है लेकिन फूफा फिर भी नहीं मानता है फिर हम लोग मिठाई मंगवाते काजू कतरी लड्डू विड्डू बेसन के पेड़े सब कुछ उनको खिलाते ताकि हाँ, खुश हो जाए हाँ, फूफा फिर भी नहीं मानते फिर उसके बाद क्या करते फूफा को शगुन चढ़ाते 11 लाख रुपए का अच्छा हाँ 11 लाख का शगुन देते शेरवानी सिलवा के देते फूफा फिर भी नहीं मानता है आज बड़ा फूफा मना रही है तू तो? क्योंकि मामा मान नहीं रहे ना तो कम से कम फूफा ही मान लेकिन रिश्ते और फरिश्ते जो रहते हैं ना हाँ। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो मामा को तो मैं मना करेगी क्योंकि प्यार बहुत करती है मैं उनको क्या करेंगे फिर मेरे जाने का टाइम है अभी मैं चलती है मेरे को टोनी का नंबर दो ना जरा मैं उसके साथ चक्कर चलाना चाहती नहीं उसके साथ कक्कड़ चलेगी मैं चक्कर कैसे चलेगी नहीं नहीं लेकिन कितना अच्छा फैमिली लगेगा नेहा कक्कड़ टोनी कक्कड़ सपना कक्कड़ और हम दोनों के छोटे छोटे अक्कड़ बक्कड़ हमारे
खैर हम लोग का तो पता नहीं, आपके जब छोटे छोटे होंगे ना तभी शो पर जरूर आना लेके। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बाय। अमेजिंग, बाय। एक बार नेहा और रोहन के लिए जोरदार तालियां। नेहा, रोहन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप ऐसे खुश रहें, हमारी दुआएं हैं आपके लिए, हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान ने इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट दी आप दोनों को, और इतने खूबसूरत आप हैं, उतने खूबसूरत आप दोनों का दिल है, और उतने खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, यू आर ऑल अमेजिंग, अमेजिंग। Thank you so much. Thanks. So much. All the best. Thank you. Lots of love. Bye. Love you. Love you. Love you. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye, Bhaiya. Bye, bye, Kapu. Bye. Bye, bye. अब मैं जिनको यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ये जितनी प्यारी और खूबसूरत हैं, इनकी आवाज भी उतनी खूबसूरत है। सो प्लीज वेलकम वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल सिंगर तुलसी कुमार। तुलसी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आज हमारे शो पे आए हो, क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है महामारी का, ऐसे में सब कोई बोल रहे हैं कि तुलसी का जो है वो सेवन करना चाहिए, हमें तुलसी के दर्शन हो गए। तो तुलसी, तुलसी आपके तो नाम में इम्यूनिटी है। मेरे नाम में जरूर इम्यूनिटी है, पर आई थिंक पूरे लॉकडाउन में अगर किसी शो ने और किसी इंसान ने अगर सबको हंसाया है और इम्यूनिटी पास किया है, तो वो कपिल शर्मा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए विराजमान हो जाइए तुलसी। तुलसी, आपके घर में तो शुरू से म्यूजिकल माहौल रहा है, आपने बचपन से ठान लिया था आपने सिंगर बनना? जी एक्चुअली मैं बचपन से बहुत टीवी देख के ना, बहुत 90s में बहुत वो गाने वाने साथ में गाती थी। अच्छा। तो पापा ने एक दफा मुझे गाते हुए सुना और उन्होंने पूछा कि तुम्हें इंटरेस्ट है म्यूजिक में, क्या तुम सीखना चाहोगी? और तकरीबन मैं 6 साल की थी तब। अच्छा। और आई थिंक वहीं से मैंने शुरुआत की। आई वेंट टू सुरेश वाडेकर जीज अकेडमी और मैंने सीखना क्या बात है बहुत जल्दी शुरू कर दिया। आपको पता, आपने अपने पापा का जिक्र किया, तो गुलशन जी को जब मैं, हम लोग बचपन में अमृतसर में जब रहते थे, तो जब हम गुलशन जी को देखते थे तो मुझे ये लगता था कि गुलशन जी गा रहे हैं। हाँ। क्योंकि वो अपने वीडियोस में आते थे ना। और हमारे के जब मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि पापा फीचर करते थे। हाँ। और वो इतने ज्यादा ही, वो सच अ स्पिरिचुअल पर्सन कि वो जितने भी स्पेशली डिवोशनल गाने उन्होंने, बहुत शिवरात्रि के भजन बहुत थे जिनमें बहुत उन्होंने परफॉर्म किए हैं, और वो हरिहरन जी की वॉइस में हुआ करते थे, बट पापा जिस तरीके से उसको फीचर करते थे, ऐसे लगता था, अब आज तक बहुत लोगों को लगता है कि वो ही गाते थे। बिल्कुल, पर हमारा तो बड़ा भला किया है टी सीरीज ने, गुलशन जी ने, क्योंकि उस समय कैसेट बड़े महंगे होते थे, तो अपने, आपको पता है हमारी कौन सा कुछ ज्यादा पॉकेट मनी तो होती नहीं थी, पाने कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पर तब टी सीरीज ने बड़े सस्ते कैसेट जो है अवेलेबल करवाए, और जिस जनरेशन ने, जैसे किशोर दा के या मुकेश जी के गाने जिन्होंने नहीं सुने थे, नई जनरेशन ने, उनको नए वॉइस के साथ उन्होंने दोबारा रिलॉन्च किया और इतने पसंद किए गए, सो उसके लिए भी थैंक यू। अच्छा तुलसी, आप अच्छा गाती तो हैं, है ना, खूबसूरत भी आप हैं। थैंक यू। कभी आपका मन नहीं किया 2-4 महीने निकाल के 2-3 फिल्में साइन करने? नहीं नहीं, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट म्यूजिक में रहा है, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे इसी फील्ड में, आई थिंक एक ही, क्या कहते हैं ना, वो एक ही नाव पे पैर रखो तो ज्यादा अच्छा रहता है, दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए। मैं अभी फिर सोनी लिव की वेब सीरीज ना करूं, आपका मतलब? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आई थिंक यू आर अमेजिंग इन एवरीथिंग यू डू, बट सिंगिंग के साथ आई थिंक एक्टिंग एक टोटली नया प्रोफेशन है मेरे लिए टू, एंड आई फीचर इन माय म्यूजिक वीडियोस, तो मैं वहां खुश हूं। अच्छा, टी सीरीज इतने सारे म्यूजिक प्रोडक्शन करती है, म्यूजिक आपका कर्म धर्म है, आपकी फैमिली में सब म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तो जब आप खाने की टेबल पे बैठते हो, वहां पे भी खाना डिस्कस होता है कि वहां पे भी गाने डिस्कस होता है आप लोगों का? गाना सारा ऑफिस में डिस्कस होता है, तो अच्छा। वो मीटिंग्स ऑफिस में होती है, खाने के टेबल पे सिर्फ और सिर्फ खाना डिस्कस होता है, क्योंकि आई विल मेक दिस रेवलेशन कि कुमार्स आर बिग 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 फूडीज, तो हम सबको खाना बहुत पसंद है, वेदर इट्स माई ब्रदर और माई सिस्टर, हम सब लोग टेबल पे बैठ के कौन सा स्टार्टर आने वाला है और क्या हम खाने वाले हैं, उसी के बारे में सोच। मुझे तो कोई सुना रहा था अभी, कहते गुलशन जी भी इतने फूडी थे,
कि अगर उन्हें पता चलता था कि अमृतसर में कोई चीज मिलती है तो वहां से बंदा भेज के फ्लाइट में मंगवा लेते थे, कभी जयपुर से कोई मिठाई खानी है तो ऐसे सीरियसली ऐसा करते थे जी, उनको भी खाने का बहुत शौक था। मेरा पता नहीं आपकी बातें सुन के मेरा कुलचे खाने का दिल कर रहा है सीरियसली। हाय हाय मुंह में पानी आ रहा है तेरे। मैं अमृतसर गया था ना अभी तो सिद्धू जी के यहाँ। हाँ मालूम है, वहाँ तूने कुलचे नहीं वहाँ पराठे खाए, वो भी तूने इंस्टाग्राम में लिखा था। हाँ जी, तो हमने काफी पराठे खाए वहाँ पे। हाँ हाँ हजम हो गए। हमें तो हो गए, आपको नहीं हो रहे। अच्छा आपको फिटनेस का भी काफी शौक है तुलसी, जब आप जिम में जाती है ना जिम में नॉर्मली लाउड गाने चलते रहते हैं ना, कभी ऐसा हुआ आप गई और आपको खुश करने के चक्कर में जिम उन्होंने आपका गाना चला दिया हो और सडनली बंदा फास्ट फास्ट शोल्डर मार रहा है और आपको देख के आप पे लाइन मारनी शुरू की बंदे ने? एक्चुअली ऐसा हुआ है क्योंकि स्पेशली अभी जो कबीर सिंह द एल्बम इतना ज़्यादा प्यार मिला, तो जब भी मैं वर्कआउट के लिए जाती थी मैं वहाँ पे हैरान हो जाती थी क्योंकि मेरा गाना बहुत सॉफ्ट और रोमांटिक गाना है ना। राइट right. मेरी राह है, तो सडनली तो सडनली जिम वाले ये चला देते हैं, सडनली जिम वाले ये गाना बजने लगता है तो मैं ज़रा अच्छा। एक आपका गाना जो तन्हाई है लोगों ने बड़ा पसंद कर रहे हैं, मतलब उसको सबसे पहले तो आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। पर एक बात बताओ तुलसी, इतने सारे रोमांटिक गाने गाते गाते सडनली ये तन्हाई वाला गाना, ये क्या मतलब, कहीं आप भूषण जी को आइडिया तो नहीं, तेरी बहन बड़ी हो गई अभी आपकी है, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं नहीं, आई थिंक पूरे लॉकडाउन में ये गाना मैंने कंसेप्चुलाइज किया और बहुत तन्हाई चल रही थी, हम सभी को पता है लॉकडाउन में सब तन्हा Actually. बैठे थे घरों में, और तभी ये गाने का पूरा जो आइडिया है मेरे दिमाग में आया और मैंने डिस्कस किया सचेत परंपरा के साथ और गाना बना। पर एक सैड गाना है पर टुवर्ड्स द एंड बहुत पॉजिटिव नोट पे एंड करता है। वाओ wow. अच्छा टी सीरीज की एक और बड़ी खासियत है, फिल्मी गाने तो हैं ही, भजन आरतियां बड़े नए अंदाज में पेश करते रहते हैं, तो ये ईश्वर की कृपा भी है टी सीरीज के ऊपर। तो अर्चना जी का एक सवाल था, कह रही थी आपको तो ज्यादा नॉलेज होगी, कौन से ऐसे भगवान की पूजा की जाए कि ज्यादा पैसे आए, ऐसा मेरे को बोल रही थी कि पूछना। Actually, भगवान की पूजा तो ठीक है, मुझे अर्चना जी से पूछना है yeah. कि अर्चना जी हम कौन सी अर्चना करें कि आपकी तरह वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे ही हम बालदार बन जाए। अच्छा ये ना देखो, दिव्या जी भी जब आती हैं हमारे शो पे, ये गाने तो सुरीले गाते हैं, बोलने में भी कितने सुरीले हैं। आपने जब कह ही दिया है तो हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो पे आई, हमारी बेस्ट विशेस और दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। Thank आप ऐसे अच्छे अच्छे गाने गाती रहें और दुनिया को एंटरटेन करती रहें। Thank एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तुलसी के लिए। थैंक यू कपिल, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।